आज का दिन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हैप्पी दोस्त का फोन आया था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आज घूमने जाएंगे देवदत्ता पार्क, जो देवदत्ता पीक पे, तो यहाँ पे पहाड़ जैसा देवदत्ता पीक बोल की जगह है ऊटी में, तो वहाँ पे आज जाएंगे। तो 7 बजे हॉट वाटर आता है, तो अभी टाइम है 10 मिनट, अभी 6:40:50 हो रहा है, तो 7 बजे जैसे ही गर्म पानी आएगा नहा धो के फ्रेश होके देवदत्ता पीक के लिए निकल जाएंगे। तो चलो आपको वहाँ पे मिलता हूँ देवदत्ता पीक पे। सुबह के बज रहे हैं 7:42, तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ। तो कल मेरे को मिले थे ना कुछ दोस्त लोग, तो वो लोग भी रेडी हो रहे हैं, तो उनके रेडी होने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी सब कुछ नहाना धोना रेडी हो गया है, पैकिंग वैकिंग भी हो गई अपना सब कुछ, और रात का नींद भी बढ़िया रहा, और ये मेरा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो सब पैकिंग वगैरह हो गया है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, और देवदत्ता पार्क उसका नाम कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यार, गजब नाम है, तो दुदत्ता नाम का कुछ, दुदत्ता है शायद। तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आप लोगों को। निकल पड़े हैं भाई, क्या नाम है यार, भूल गया, दुदापेटा पिक के लिए ट्रैकिंग करने, ट्रैकिंग अलाउड नहीं है बोल रहे थे, तो भाई गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो चलो दुदापेटा पिक में चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं। भाई कैसा लग रहा है? अरे बोलो यार कुछ। तो यार कोहरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और भाई ठंड तो पूछो ही मत भाई, बिना जैकेट के तो भाई सीधा ऊपर टिकट कटना तय है भाई। तो यहाँ पे ट्रैकिंग अलाउड नहीं है बोला बस वाला ने, वो गाड़ी वाला, तो भाई पर पर्सन 8 रुपीज़ लिया है आने जाने का, तो हम बोले एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, 2 घंटे के बाद जाएंगे बोले, तो बोला एक्स्ट्रा 200 रुपये लगेगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया है। तो चलो थोड़ा घूमते हैं इधर उधर, कुछ इस तरह का भाई कभी खाए भाई, ये वाला मौसम पर तो मज़ा आ जाएगा वाला, है ना गाइस? बोलो ठंडी हमारे किसका मुंह नहीं खोल रहा है भाई, और ज़्यादा ठंड है और कोहरा ही कोहरा है हर तरफ, खाने के बारे में खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे, मिल जाता है चने वगैरह और ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स तो नहीं मिलेगा उधर सामने वाली दुकान पे है, तो चलो खाते हैं। तो ये रहे बुखार लोग, सुबह सुबह नाश्ता बोले करने के लिए नहीं किए भाई, हाथ कांप रहा है यार। और चले यहाँ पे ठंड है, उनकी तो 7 बजे सुबह इन लोग 3 बजे से फोन कर रहे थे कि हाँ चलो 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 चलो, लेकिन बात ऐसे हुई कि बारिश होने की वजह से इन लोगों का चम्मच और कैमरा दोनों हिल रहे हैं। अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खा लिए, इसके वास्ते दो उंगली दिखा रहे हैं। तो यार गाइस अपना भाई ब्लॉगिंग करते हुए, कैमरा उनके हाथ में देते हुए, और हम लोग मोबाइल पे बना रहे हैं अभी, तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो भाई टिकट बुक करना पड़ेगा यहाँ पे, पर पर्सन का कितना रुपए आप देखो टिकट बुक करो, बुकिंग काउंटर
तो भाई यहाँ से देखो कुछ सीन, वो भाई क्या ठंड में, ठंड में पूरे कांप रहे हैं सब। भाई कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, देखो ऐसे ठंड में मस्त लग रहा है इन लोगों को। ये तो भाई ये भाई भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो क्या बोलूं यार, कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो ये नीचे जाना है हम लोगों को यहाँ से। भाई यार पब्लिक बहुत ज्यादा है इसमें। चलो भाई आगे चलो, आगे चलो भाई, कैमरा कोई पकड़ोगे थोड़ा? चलो 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 चलो। ब्रो यहाँ बारिश इतना तेज हवा बह रहा है, सारा जिंदा आदमी उठ जाएगा। ब्रो क्या सीन है इधर का, लुक एट दिस व्यू। Amazing shot. इसको बंद करो, चार्ज नहीं है इसमें, चार्ज करेंगे इसमें। टाइमलेस वीडियो बनाएंगे, टाइमलेस मजा आएगा यहाँ पे, मालूम वीडियो मजा आएगा। हवा चल रहा है ना, कोहरा वगैरह भागेगा पूरा, आधा घंटा वेस्ट करना पड़ेगा आपको। लो इसमें चार्ज करते हैं इसको थोड़ा देर के लिए। Thank you.
टेलीस्कोप व्यू पॉइंट, और यहाँ हमारा भाई बहुत ठंड है गाइस, तो इसीलिए यहाँ पे सब ग्लास में रखा हो रहा है, और इतना तेज हवा आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, यही हवा चल रहा है भाई, उड़ा के ले जाएगा। तो गाइस दद्दता पे घूम लिया भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे, और तो फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और भाई सब फ्रेंडली यहाँ पे, मतलब रैंडमली मैं भी आया था, मिल गया इन लोगों से, जुड़ गया, तो बहुत मज़ा आया भाई। तो यार ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा, जैकेट वगैरह भी गीला हो गए हैं, और विदाउट ग्लोव्स तो नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ से अब निकलते हैं भाई, आज मुझे जाना भी है। चलो यार भाई, ऊपर वाला सीन कौन सा है, उसमें क्या है, उधर भी है कुछ है तो, ओ आउट ऑफ जोन है, मतलब उसमें गाड़ी, अरे यार उधर से भी जाने का रास्ता है, कुछ और होगा उसमें। यहाँ पे ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ब्रो तो यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यार यहाँ से लिखा है कौन सा जगह पे कितना कितना डिस्टेंस में है, तो हम लोग तो यहाँ से अब जाने वाले हैं भाई, कोहरा ही कोहरा है और कुछ नहीं दिख रहा है, और हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं, क्या करें, कुछ काम है क्या, तो हो गया ख़त्म। चलो चाय पिए क्या, चलो भाई कहाँ पे आया है गाड़ी। तो यार गाइस हमारा गाड़ी आ गया है, चलो बाय बाय, ये जगह को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ब्रो